हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्व इट। 2019 के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ में हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना सीखेंगे आज। सो इसके कुछ तीन स्टेप्स हैं जिनमें आप पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे, आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड कर पाएंगे एंड आइगन वैक्टर्स। मैं बैट लगा सकता हूँ कि वो तीन स्टेप आपको कहीं नहीं मिलेंगे, एंड ये तीन स्टेप्स आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये एप्लीकेबल है और हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। सो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज़ एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं जिसका आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पूछा है। सो कोई भी ए ले लेते हैं मैट्रिक्स। सो वैल्यू होगी -8, 8, -2, 4, -3, -2, 3, -4, 1। सो ये हमारी गिवन मैट्रिक्स हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ वो तीन स्टेप कौन से हैं जिनसे आप ये सॉल्व करेंगे। सो देखिए, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट हमें आपको ये फॉर्मूला है हमेशा याद रखना है, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर आपको ये समझा नहीं ये क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए है जो हमारा वो होगा गिवन मैट्रिक्स, और ये लैम्बडा है कांस्टेंट, आई हमारा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड एक्स होगा अननोन मैट्रिक्स, एंड ये नल मैट्रिक्स। अगर आपको अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप टेंशन नहीं ले, और इसके एग्जांपल के थ्रू आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर वन, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस लैम्बडा आई इंटू अननोन मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो होता है हमेशा। तो आइए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। स्टेप टू, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू जीरो। बस इतना सा जो पार्ट है, बस हम इतने से पार्ट को डिटर्मिनेंट ले लेंगे और लिख देंगे उसी तरह से। सो आइए मैं आपको ये रियल लाइफ में कैसे दिखता है वो बताता हूँ। तो सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स है, समझो ए, जो ए मैट्रिक्स है वो हमें दी हुई है कुछ इस तरह से, 8, -8, -2, 4, -3, -2, 3, -4, 1, ये हो गया ए। अब लिखते हैं लैम्बडा माइनस लैम्बडा आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखिए 3 बाई 3 है तो ये भी 3 बाई 3 होगा। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया ये ब्रैकेट कंप्लीट, और एक्स एक्स जो है वो अननोन मैट्रिक्स x3, और जो 0 0 0 ये है नल मैट्रिक्स। ये हो, ये इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो अब हमने इसको कंसिडर के लिए किया है बस इतने से पार्ट को, सो हम बस इस ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बताता हूँ ये दिखेगा कैसे। सो ये देखिए 8 -λ × 1, सो ये हो जाएगा 8 -λ − 8, क्योंकि ये देखिए −8 − λ × 0 तो 0 हो जाएगा। सो हम सिर्फ -8 लिखेंगे। तो आप अगर आप इसको नोटिस कर पा रहे हैं तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से माइनस होगा लैम्बडा, 4 3 -3 -4 -3 − λ − 2 1 − λ, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा स्टेप टू। सो अब स्टेप थ्री में आपको बताता हूँ, स्टेप थ्री और ये आपका फाइनल स्टेप होगा जिससे आपको आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक इक्वेशन हमेशा याद रखना है, ये यूनिक इक्वेशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो आइए देखते हैं, लैम्बडा क्यूब माइनस, ये हम खाली छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, लैम्बडा स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट भी खाली छोड़ देते हैं, लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। सो ये देखिए लैम्बडा क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर वैल्यू कम होती गई, डिग्रीज कम होती गई, 1 हो गया, फिर लास्ट में डिटर्मिनेंट हो गया, और साइन भी देखिए प्लस माइनस इक्वल टू 0। सो अब ये ब्रैकेट मैंने जो खाली छोड़े हैं मैं इनको आपको बताता हूँ इनकी वैल्यू क्या है। सो लैम्बडा क्यूब का कॉन्स्टेंट होगा 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब जो हम ये जो ऑपरेशन है ये हम पूरा का पूरा गिवन मैट्रिक्स के ऊपर करेंगे। सो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो ये वाले 8 -3 1, ये देखिए 8 -3 1, ये हमारे जो डायगोनल में है, तो ये हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स। सो डायगोनल एलिमेंट्स का हमने क्या पूछा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो हम इन तीनों को ऐड कर देंगे बस सिंपल, 8 -3 और 1, ये आ जाएगा 6। सो आइए लिख लेते हैं साथ ही साथ, लैम्बडा क्यूब माइनस 6 लैम्बडा स्क्वायर
फिर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, नहीं होगा माइनर्स, सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। अब मैं आपको बताता हूँ डायगोनल माइनर्स होता क्या है। सो जैसे कि मैंने कहा कि सारे ऑपरेशन गिवन मैट्रिक्स के ऊपर हो गए, तो आइए देखते हैं। सो ये देखिए, सपोज हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, हम डायगोनल माइनर्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को। सपोज हम ये है और हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। सो अगर हम 8 को कंसिडर करें तो हम ये वाला रो और ये कॉलम कैंसिल कर देंगे और इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो ये देखिए, -3 -2 -4 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और फिर हम कंसिडर करेंगे -3 को। सो इसका ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, बचते हैं ये एलिमेंट और इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 8 -2 3 1। सो अब लास्ट में एक ही एलिमेंट बचता है 1, सो ये कॉलम और ये रो कैंसिल। सो अब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -8 4 -3। सो ये हो गया। सो अब हम अगर इनकी वैल्यूज निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, सो ये हमें इसकी मिलेगी -11, सो इसकी हमें मिलेगी 14 और इसकी हमें मिलेगी 8। सो अब हम इन तीनों का ऐड कर देंगे और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो आइए लिखते हैं 11 लैम्बडा। और जहाँ तक बात है डिटर्मिनेंट की, ये पूरा मैट्रिक्स है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल सकते हैं और इनका डायरेक्ट आपको वो मिल जाएगा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, जो कि वैल्यू आएगी 6। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया। सो अब आपको करना क्या है, बस इसके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स जो मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं 1 2 3, ये मिलेंगे आपको और ये हो गए सॉल्व। आपको आइगन वैल्यूज, ये हैं आपकी आइगन वैल्यूज। बस देखिए तीन स्टेप में हो गया, पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है, फिर आपको शो करना है कि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इनका, और फिर बाद में थर्ड स्टेप है जो इक्वेशन हम निकले लिखेंगे। देखिए पहले पॉजिटिव साइन, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्यूब, स्क्वायर, रेस टू वन और फिर डिटर्मिनेंट। सिंपल सी बात है, पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम करेंगे, फिर हम सम ऑफ डायगोनल माइनर्स करेंगे। माइनर्स में कुछ नहीं होता, बस हर एक डायगोनल एलिमेंट को कंसिडर करके पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। सो ये आपको मिल गई आइगन वैल्यूज़, ये यहाँ पर आपका सम कम्प्लीट। और ये जो सम है इसमें हमेशा कॉम्बो आता है कि एक तो निकालिए आइगन वैल्यूज़ और निकाले आइगन वेक्टर्स। सो आइए आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पार्ट टू शुरू होता है, यहाँ से निकलेंगे आइगन वेक्टर्स। देखिए ये लैम्ब्डा की वैल्यू मिले बिना आप आइगन वेक्टर्स नहीं निकाल सकते। सो जो हमने मैट्रिक्स लिखी थी ये, अब हम इसका यूज़ करेंगे एक्चुअल आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। सो आइगन वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ आपको इतने की ज़रूरत है और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए इन पूरे की। सो आइए देखते हैं। सो जो हमें गिवन मैट्रिक्स है 8 ये जो थी, अब हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ लैम्ब्डा की वैल्यूज पुट कर देंगे। हम कंसिडर करते हैं चलिए 1, सो हम 1 पुट कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, सो 8 माइनस 1 इज 7, बाकी की पूरी मैट्रिक्स सेम रहेगी, बस हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे -2 -2 0, और ये हमारी अननोन मैट्रिक्स है। सो आप जो देख रहे हैं x1 x2 x3 यही है हमारे आइगन वेक्टर्स और हमें इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो गई अननोन मैट्रिक्स। सो देखिए हमने किया कुछ नहीं, जो लैम्ब्डा की वैल्यू थी 1 उसको हमने वैल्यू पुट कर दी 1 1 1 और हमने ये बना लिया। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए भी एक तरीका है जो सबसे फास्टेस्ट मेथड आपको बताऊंगा। सो एक ही स्टेप में पूरा हो जाएगा ये, ये है क्रैमर्स रूल। अगर आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, मैं आपको बताऊंगा। क्रैमर्स रूल किसे कहते हैं कि सपोज, तो इसका स्टेप 1 बताता हूँ आपको। सो कोई भी दो इक्वेशन लीजिए, मतलब कोई भी दो ऐसे कॉलम्स कंसिडर कर लीजिए ये, जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ज़ीरो नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो देखिए 7 -4 तो ज़ीरो नहीं होगा, 8 -4 ये भी ज़ीरो, तो अगर इनको ज़ीरो मल्टीप्लाई करके माइनस कर भी दें तो भी ये ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा टर्म है। तो आइए कंसिडर करते हैं, तो ये इनका इक्वेशन बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 7 x1 - 8 x2, मैं कर रहा कुछ नहीं हूँ, बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 x3 और इक्वल टू 0, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। फिर सेकेंड रो का बना लेते हैं, 4 x1 - 4 x2
माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे हो गए एक्स इक्वेशन वन एंड टू, बहुत ही सिंपल। अब शुरू होता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ, आपको उसी में लिखना है हमेशा। देखिए पहले तो आएगा x1, क्योंकि देखिए थ्री अननोन टर्म्स है, x1 सॉरी ये इक्वल, फिर आएगा माइनस x2 इक्वल टू x3, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको डिटर्मिनेंट लिखना है। किसके डिटर्मिनेंट लिखना है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए हम x1 के नीचे किन के डिटर्मिनेंट लिखेंगे, x1 वाले टर्म्स को छुपा देंगे और बाकी जो टर्म्स बचते हैं उनके जो कॉन्स्टेंट हैं उनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे। देखिए x1 का हम लिख रहे हैं x1 के नीचे, तो हम x1 वाले टर्म्स को छुपा देंगे। सो ये देखिए माइनस एट माइनस टू माइनस फोर माइनस टू, उसी तरह से x2 देख रहे हैं, सो अब x2 वाले टर्म्स को छुपा देंगे और फिर उसके जो बाकी जो बच रहे हैं उनको ऐसे के ऐसे उठा के रख देंगे। सो ये देखिए सेवन फोर माइनस टू माइनस टू, विथ साइन रखना है आपको, ये बात ध्यान रखें। फिर देखिए बारी आती है एक्स थ्री की, सो हम एक्स थ्री के टर्म्स को छुपा देंगे और इन इस ब्लॉक को ऐसे के ऐसे उठा के नीचे रख देंगे, सेवन फोर माइनस एट माइनस फोर। सो ये देखिए अब आपका काम शुरू होता है यहाँ पे, ये बहुत ही सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकालना है। सो देखिए एक्स वन, अब आप इसके डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे नीचे, सो आएगा सिक्सटीन माइनस एट इक्वल टू एक्स टू। ये देखिए सेकेंड हमेशा ध्यान रखिए माइनस एक्स टू है, आपको माइनस साइन भूलना नहीं है। फिर आएगा एक्स थ्री, सो माइनस ट्वेंटी एट माइनस माइनस थर्टी टू, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। सो देखिए अब हम इसको बस सिंप्लीफाई कर देना हमें, सिक्सटीन माइनस एट इज एट, ये ऑलरेडी अब देखिए माइनस माइनस साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू के नीचे आ जाएगा सिक्स, एक्स थ्री के नीचे आ जाएगा फोर। सो ये आपने देखा, और अब हम इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। ये आता है, और जैसे कि हमने देखा था एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री था, हम उसी तरह से इसको भी पहले x1 के नीचे वाला है, फिर इसका डिनोमिनेटर, फिर इसका डिटर्मिनेटर, फिर आप इसको देखेंगे कि अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बाकी आप नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है। ये आपका आ गया आइगन वेक्टर 1। सो उसी तरह से आपको लैम्डा की वैल्यूज पुट करनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास और बची है लैम्डा 2 और 3। सो आइए आपको लैम्डा 2 भी करके दिखा देता हूँ मैं। सो लेट अस कंसिडर लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा की वैल्यू टू में आपको सेम टू सेम उसी तरह से इक्वेशन बनाना है जो हमारा मैट्रिक्स था ये वाला, इसमें लैम्डा की वैल्यू टू पुट कर देनी है। सो आइए मैं बता देता हूँ, अगर हम एट माइनस लैम्डा जो था, तो अगर एट माइनस टू करें तो सिक्स फोर थ्री, बस डायगोनल एलिमेंट्स में से आपको लैम्डा की वैल्यू माइनस करनी है और कुछ नहीं, माइनस फोर माइनस टू माइनस टू वन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, बहुत ही सिंपल। इस तरह से अब हमारा स्टेप वन क्या है, इक्वेशन बनाना और क्रैमर्स रूल लगा देना। तो इक्वेशन बना लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, अगर इनको माइनस करें तो ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता है टर्म, तो सिक्स एक्स वन फिर ये माइनस एट एक्स टू, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो फर्स्ट टर्म के साथ एक्स वन, सेकेंड के साथ एक्स टू, थर्ड के साथ एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो, फोर एक्स वन माइनस फाइव एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब लगाएंगे क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल में क्या, एक्स वन इक्वल्स टू माइनस एक्स टू, माइनस ध्यान रखें हमेशा एक्स थ्री, और डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट देखते हैं, अब हम एक्स वन कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी के दोनों टर्म विथ साइन ऐसे के ऐसे उठा के रख देंगे नीचे, तो माइनस एट माइनस टू माइनस फाइव माइनस टू, और अब एक्स टू की बारी है तो एक्स टू को छुपा के जो बाकी के बचते हुए टर्म्स हैं उनको लिखेंगे। अब बारी है एक्स थ्री की, सो सिक्स फोर माइनस एट और माइनस फाइव, ये हो गया। आप इसको डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, सो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ वैल्यूज़ क्या आएंगी, फोर एक्स थ्री इक्वल टू टू। सो अब देखिए जो हमारे लैम्डा की वैल्यू टू थी उसका हमें मिलता है सिक्स फोर टू, अब आप देखेंगे ये भी टू से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा थ्री टू वन, ये आपको मिलेगा टू। वैसे ही एक होता है लैम्डा इक्वल टू थ्री, जो हमारा आखिरी बचा है आइगन वेक्टर निकालेंगे, ये आपको तीनों निकालना है, थोड़ा लेंदी है बट आपको गारंटीड फुल मार्क्स मिलेंगे इसकी, बहुत सिंपल है, और अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। एंड अब मैं चाहता हूँ कि आप ये लैम्डा थ्री की वैल्यूज निकालें और मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। एंड एक और आखिरी बात, जो
हमारे चैनल है उस पे आगे की वैल्यूज़ जो हैं वो मैं आपको मिलेंगे चैप्टर्स सारे के सारे। M4 हमने शुरू किया है। सो जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये जो M4 के जितने भी चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें और आगे का वीडियो ज़रूर देखें जो कैली हैमिल्टन थ्योरम के ऊपर है। थैंक यू सो मच।